बहुत जबरदस्त फिनाइल बना रहे हैं हम, देखो कितना गाढ़ा हो गया है, देख रहे हैं, ये असली फिनाइल की पहचान है, कोई सेपरेशन नहीं आएगा। 20 किलो 25 किलो कितना भी ले लो, पानी है। अब देखो इसमें मिलाएंगे और लास्ट में क्या मिलाएंगे, डंडा, डंडा से वाइटनिंग देखो, वाइटनेस देखो, बिल्कुल देखो दूध की तरह। देखो मोटर लगी हुई है और ये रेलिंग है और ये सारे ड्रम, अलग अलग केमिकल बनते हैं इनमें, बहुत शानदार चीज लगी मुझे। और ये सारी देखिए इस पर रैम पे चलती है वो वाली जो मोटर है। ये हो गया कच्चा माल, वैसे तो मशीनों की आवश्यकता नहीं है, पर ये इनका केज मिल है जिसमें पाउडर की जो है ना छनाई होती है। अब देखो इन्होंने तो ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये है इनका मिक्सर। 1 लाख रुपए का हिसाब है महीने का कमाई का, 1 लाख रुपए की कमाई तो है, ये तो मुझे भी दिख रही है, क्योंकि सीधा डंडा और पानी का काम है। डंडा और पानी हरिद्वार में आए रुड़की में, बहुत बढ़िया सिस्टम बना रखा है। मशीन की बात करेंगे, कैसी लगा रखी है, क्या क्या है, वो सारी बात करेंगे। अभी तो मैं कंपाउंड बना रहा हूँ, कोई दिक्कत आ रही थी, फोन किया था तो मैं उनके पास गया था। अब बताते हैं इसमें क्या क्या होगा, आइए। ये रूपेश है, ट्रेनिंग लेके कहाँ से आए थे, गाजियाबाद से आए थे। इनको एक प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारा फिनाइल कुछ गड़बड़ हो गया है, और गड़बड़ क्यों हुआ है वो बता देता हूँ। इन्होंने कुछ से कुछ मिक्स कर दिया, गलती से हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आया था तो मैं सारे समस्याओं का समाधान करके जा रहा हूँ। अब पानी लिया है, सबसे पहले पानी को इसमें मिलाओ, थोड़ा बहुत पानी इसमें मिलाओ पहले। गिलास लाओ, ऐसे मतलब इसमें मिला देंगे, नहीं आ रहा, वहाँ भी सेपरेशन आता है। हाँ इसमें डालो पानी, और डालो, ये बहुत जबरदस्त फिनाइल बना रहे हैं हम, देखो कितना गाढ़ा हो गया है, देख रहे हैं, ये असली फिनाइल की पहचान है, कोई सेपरेशन नहीं आएगा। और ये इस तरीके से नहीं बना रहे थे, इसलिए इनका कभी कभी सेपरेशन की संभावना भी थी। सबसे पहले क्या करना, और डालो पानी। देखिए पहले जो हमने कंपाउंड बनाया था, उस कंपाउंड को बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है, मथना है, जैसे दही का लस्सी बनाते हैं। उसके बाद में क्या करना है, ये पूरा जब जबरदस्त तरीके से ऐसा हो जाए तो इसको क्या करना है, इसमें मिलाना है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा, आपका बिल्कुल भी सेपरेशन नहीं आएगा। बहुत अच्छा काम लगा मुझे, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये, बात करवाऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले इस समस्या का समाधान जरूर करूंगा, ठीक है। अब ये पूरा सेट हो गया, देखो अब इसमें मिला देंगे जी। पानी कितना है, 20 किलो 25 किलो कितना भी ले लो, पानी है। अब देखो इसमें मिलाएंगे और लास्ट में क्या मिलाएंगे, डंडा, डंडा से, डंडा और पानी का खेल है भैया। अब बताओ जबरदस्त चीज बनी है कि नहीं बनी है, बहुत जबरदस्त चीज बनी है। लो जी जबरदस्त फिनाइल, अब इनकी समस्या जिंदगी भर आ जाए तो मुझे बता देना। डंडा हिलाना, पैसा कमाना है बस। ले भाई आपको मिला। नमस्कार, स्वागत है काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट में। अब काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट आया जी हरिद्वार में रुड़की के पास। अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ अभी भी देखो, यहाँ भी डंडा और पानी का खेल है। ज़बरदस्त फिनाइल बनाया है और बहुत ही खुशबू आ रही है इसके अंदर। और ये कहाँ है, रुड़की के अंदर है। सबसे अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, ये जो फ्रेम लगाया है, अलग अलग टंकी में देख सकते हैं, अलग अलग टंकी बनाई है, और उस टंकी के ऊपर एक मोटर है, बहुत कमाल की चीज़ है। और उसमें एक वो लगा हुआ है पाइप के जैसा, ये दिखा देता हूँ,
और इसमें क्या बन रहा है? ये खराब है कुछ बता रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये रोल पे ऐसे एक यहाँ तक आ जाएगा। देखो ये ऐसे अलग अलग ड्रम में रॉड लगी हुई है, उस रॉड के हिसाब से अलग अलग चीज़ जो है ना बनती है। ये दिखा रहा हूँ, ये अलग चीज़ है जो भी है, अच्छी लगी। और नीचे देखिए टोटी लगी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो चलो चलो एक हो गया पार्ट, दूसरी चीज़ बता देता हूँ, ये हो गया कच्चा माल। वैसे तो मशीनों की आवश्यकता नहीं है, पर ये इनका केज मिल है जिसमें पाउडर की जो है ना छनाई होती है। अब देखो इन्होंने तो ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये है इनका मिक्सर, ये सर्फ का है। और इसके अलावा दिखा देता हूँ मैं आपको इनका पैकिंग, पैकिंग भी बहुत शानदार है। गाज़ियाबाद में इन्होंने ट्रेनिंग ली काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट में, और ये देखिए ज़बरदस्त कमाई कर रहे हैं। कितनी कर रहे हैं वो अभी इनका मैं बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छी बात है कि लोग काम करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और अपना अपना काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इन्हीं से बात करवाऊंगा, आइए जी। हाँ तो जी रुपेश भाई क्या हाल है? अच्छा कब से काम कर रहे हैं रुपेश जी, बताइए। एक साल हो गया। कहाँ से शुरुआत हुई थी? गाज़ियाबाद से। गाज़ियाबाद से कहाँ? ट्रेनिंग लेते सर गाज़ियाबाद काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट में। अच्छा ये सारे प्रोडक्ट आप बनाए, ये देखिए बहुत शानदार डिश वॉश है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गाढ़ा। देखिए इनको प्रमोट करिए, ऐसे लोग प्रमोट होंगे तभी आगे लोग हिम्मत बनाएंगे। फिलहाल लगभग लगभग जोर से बोलो 1 लाख रुपए का हिसाब है महीने का कमाई का। 1 लाख रुपए की कमाई तो है, ये तो मुझे भी दिख रही है, क्योंकि सीधा डंडा और पानी का काम है, सेल इनकी काफ़ी है। और इसके अलावा देखिए ये इनकी हाथ वाली मशीन है, ये इनकी वो है कट्टे सिलाई वाली है ना। तो और बता देता हूँ आगे चल के, कुछ भी नहीं है, सारा एक छोटा सा एक तरीके से काम करें तो बहुत अच्छा इसमें मुनाफा होता है। ये देखो अलग अलग पाउडर के कट्टे हैं, जैसे ये डोलोमाइट पाउडर है, ये देख सकते हैं, ये नमक है, और ये कुछ तेजाब वगैरह की केन है। अब देखो इतना ज़बरदस्त चीज़ में आया हूँ, इनकी थोड़ी सी परेशानी थी वो अभी इनकी दूर हो गई है। और देख सकते हैं कि छोटे से घर में छोटी सी जगह पे आप अपना जो है काम कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट को आप सपोर्ट करिए, और हर संडे के संडे आपको पता ही है ट्रेनिंग होती है गाज़ियाबाद के अंदर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है हर संडे होती है, और आप यहाँ आके और अपना पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं। फीस का आपको पता ही है, और जो है अब तक हमारा लक्ष्य पता ही है आपको कि 2025 तक 5 लाख रोज़गार पैदा कर रहे हैं। उसकी कड़ी में देखो अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि हमारे लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बाकी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी चीज़ें हम आपको बारी बारी दिखाते ही हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कोई सफल होता है, ये सबसे अच्छा लगा मुझे, फ्रेम पे सीधा रोल बना दिया, यहाँ तक कहीं भी ले जाओ किसी भी ड्रम में, एक ही मशीन से काम हो रहा है, एक ही मोटर से काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।